हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलो अज बनाते हैं जी पालक ते मूली वाली रोटी। जे तुसी हले तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो, तो बैल आइकन प्रेस जरूर करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। इस रोटी नूं बनाउण लई मैं पालक ते मूलियां नूं कद्दूकस कर लिया, पालक कट ली है। इहदे विच आ पैनी मार्केट दा आटा आ, मक्की दा आटा, ये पा लैणा है। तो इस तों बाद आपां हरी मिर्च, सुक्की मेथी, नमक, अजवाइन ते जीरा ये पा देने हैं। तुम चाहो तो अदरक लहसुन भी पा सकते हैं, पर मैं नहीं सी इहदे पाया, तो उन्हें भी वधिया बनेंगे। तो बस इन सारे चीज़ों मिक्स कर लेना है। हुण आपां आह गर्म पानी है जी, गर्म पानी के नाल मक्की का आटा है जिहड़ा, उन्हें आपां मथ के तैयार कर लेना है। तो ध्यान रखना है कि आटा बहुत मतलब सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो वधिया रोटी बनती है। तो पेड़ा कर लेना जी आपां मक्की की रोटी। जिन्होंने हाथ ना बनानी आती है जी, वह हाथ ना बना सकते हैं। जिन्होंने नहीं आती तो फिर मैं इस वीडियो के दो तरीके दसे आ, तो उस तरह बना सकते हो। तो थोड़ा जहाँ आप बेल करने बाद इदा हाथ से रोटी में जिदा आप बनाई जाइए उदा बना लेना है। मक्की की रोटी जिन्होंने आती है उन्होंने पता है। तो बस तुम देख लो कि टुटी ना हो, थोड़ी जी इदा जोड़ लेंदी होंगी मैं नाल ही। बस आलू को तैयार है, तवा गर्म है, रोटी पा देनी है तवे के उपर। तो इन्हें रोटी आप दोनों साइडों पर चंगी तरह पकाना है जी। तुम चाहे तो इतना घ्यो मक्खन जो तुम पसंद है ला सकते हो, असं ओलिव ऑयल लाया सर ये उपर। जो तुम चाहो तो इन बिना तेल के भी बना सकते हो, बाद दही ना मक्खन ना जिदा तुम चंगा लगता खा सकते हो। दोनों साइडों से चंगी तरह पका लेना है। चलो जी एक रोटी अपनी बन के तैयार है, तो हम दूसरे तरीके बनाते हैं। वो आप पेड़ा कर लेना है जिदा करी दी है, तो पानी थोड़ा जहा ला के दोनों साइडों तो इन फिर आप बार पहला कितना सगा उदा ही थोड़ा जहा बेल कर लेनी है पहले इदा हाथ के नाल। तो हूँ आप इन हाथ नहीं बना, इदा एक लिफाफे रख के तो बस इन सख्त पा के वे कर लेनी है रोटी। मैंने जिदा रोटी बनती है बहुत ही वधिया, इदा पतली रोटी बनती है ना, टुटती नहीं है, बहुत सस्ता तरीका। तो बस बहुत ही ईजी ईजी तरीके कलर जी इनू लिफाफा लिप जाता ये नो। तो हूँ तवे के उपर इन भी आप पका लेना है, सेम ही जिदा पहला बनाई थी रोटी, दोनों साइडों को चंगी तरह पका के तेल ला लेना। एक साइड ही लाया तो चाहो तो दोनों साइडों तो तेल ला सकते हो। तो पालक उदा मेथी वाली मैं बनाती नहीं, पर इतने मेथी मिलती नहीं हैगी, इसलिए मैं पालक पाई सी, तो यह भी बहुत टेस्टी बनी। तो लो जी दोनों रोटियां बन के तैयार हैं अपनिया। तो गर्म गर्म रोटी नूं मैं अपने हसबैंड नूं सर्व किया सीगा जी, दही ते घर दे बने मक्खन दे नाल, बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप तुहानूं इह रैसिपी अच्छी लगी। तो जी रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो लाइक करो, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू जी।